रांची से जहां पर झारखंड हाई कोर्ट ने पंचायत सचिव नियुक्ति याचिका पर सुनवाई की है। यहां पर अंतिम परिणाम जारी करने पर यह याचिका दाखिल हुई थी और इसी पर सुनवाई की गई। जेपीएससी के सचिव को 8 सप्ताह में रीजन ऑर्डर जारी करने का आदेश भी दिया है कि आखिर वजह क्या रही इस पूरे मामले को लेकर और परिणाम आखिर घोषित क्यों नहीं किए जा रहे इस मामले को लेकर। जेपीएससी के सचिव को 8 सप्ताह में रीजन ऑर्डर जारी करने का आदेश दिया गया है कि आखिर किन कारणों की वजह से पंचायत सचिवों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और क्यों क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, और इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अंतिम परिणाम जारी करने की याचिका पर सुनवाई हुई है क्योंकि लगातार इसमें देरी हो रही थी और इसी परिणाम और नियुक्ति को लेकर याचिका दाखिल की गई जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और इस पर सुनवाई करते हुए पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सचिव को आदेश दिया है और अंतिम परिणाम जारी करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि आखिर कारण क्या रहे, इससे जुड़े पक्ष आप अपना रखें। और 8 सप्ताह का वक्त फिलहाल जेपीएससी के सचिव को दिया गया है।